Hello dear students, I am Deepali Patel, your teacher at Kalyanesh Medium School. I hope you all are fine and safe at home and studying in an excellent manner through this video lecture series. Right? Study kar rahe ho na ghar pe? Okay. So today in this video lecture we will learn English. English lesson number 2, a snake's tail. In previous video lecture we did exercise, right? हमने एक्सरसाइज की ना, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्राई टू रोम. सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वोकैबुलरी. क्या करेंगे हम? वोकैबुलरी. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम बोलना सीखेंगे, उसको स्पेल करना सीखेंगे, कैसे उसे बोला जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. और ये जो वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स भी है. जब हम यहाँ पे बोलेंगे ना तो अपने आपको अपने आप पता चल जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स कैसे हैं. जो वर्ड्स है वो एक दूसरे के साथ राइम होते हैं. लास्ट में जब हम बोलते हैं तो उसकी साउंड है वो सेम निकलती है, राइम क्रिएट होती है. सो फर्स्ट इज कैट. फर्स्ट क्या है? कैट. सेकेंड टेक. एंड थर्ड मेक. सो आपने देखा के टेक मेक, ये तीनों जो वर्ड्स है वो क्या है? एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है. जब हम ये तीनों को बोलते हैं तो सेम राइम क्रिएट होती है ना लास्ट में, और साउंड जो आती है लास्ट में वो सेम आती है, एक 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 ऐसी साउंड आती है, राइट? सो फिर से अब आपको मेरे साथ बोलना है के टेक मेक. ओके. नेक्स्ट है सिट नीट बीट. तो इसमें इट का साउंड आया, सिट इट आया ना, नीट बीट. तो तीनों में राइम क्रिएट हुई, तो तीनों जो राइमिंग वर्ड्स है एक दूसरे के, है ना, और लास्ट में साउंड भी है इट किया है, और तीनों में ई ए टी ए इट, ई ए टी इट, ई ए टी इट भी सेम आता है. तो ये राइमिंग वर्ड्स भी है और ये वोकैबुलरी भी है. चलिए इसको फिर से बोलना सीखेंगे. सीट नीट बीट. नेक्स्ट माई फ्लाई स्काई. तो इसमें कौन सी राइम क्रिएट होती है? आई होती है ना. पेट कैट मैट. एट साउंड वर्ड्स आए इसमें, एट है ना, एटी एटी एटी. पेट कैट मैट. आपको ये घर पे वीडियो को देख देख के रिपीट करना है मेरे आफ्टर, ठीक है? जेट मैट पेट. तो इसमें ईटी साउंड वर्ड्स, मतलब फिर भी इसका इसमें भी एट ही होता है, बट ये एट ही है. पर यहाँ पे जब हम बोलेंगे जेट मैट पैट तो इसमें भी एट ही साउंड निकलेगा, बस उसकी स्पेलिंग क्या होगी? ई ए टी, सॉरी ई टी इट, है ना, जेट ई टी. नेक्स्ट रिंग किंग सिंग. तो इसमें इंग है ना, आई एन जी इंग, इसकी साउंड निकलती है, इसकी राइम क्रिएट होती है. रिंग किंग सिंग. ओके. नेक्स्ट है प्रोनंसिएशन. हमने लेसन नंबर 1 द फॉक्स एंड द ग्रेप्स में भी प्रोनंसिएशन किया था. यहाँ पे भी हम प्रोनंसिएशन करेंगे. तो प्रोनंसिएशन मीन्स व्हाट? कोई भी वर्ड है, कोई भी स्पेलिंग है, उसे आप कैसे स्पेल करते हो, उसे आप कैसे बोलते हो, हाँ, दैट इज प्रोनंसिएशन. तो यहाँ पे देखिए स्नेक स्नेक ए, इसका क्या वर्ड आया? ए, पीछे आता है ना साउंड, तो उसके जैसे फोर राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है? स्नेल टेल पेल फेल मेल, ठीक है? नेक्स्ट है नोज. तो नोज के साथ ये चारों जो वर्ड्स है वो उसके साथ राइम होते हैं. स्टूडेंट्स ये देखिए नोज, नोज किसके साथ राइम होता है? होज रोज ओस चोज. रिपीट करिए मेरे साथ, होज रोज ओस चोज. ओके. नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ग्रामर. सो इन प्रीवियस लेसन द फॉक्स एंड द ग्रेप्स वी लर्न ग्रामर ऑफ नाउन. हमने क्या लर्न किया था? नाउन. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. नाउ इन दिस लेसन अ स्नेल्स टेल वी विल लर्न ग्रामर अबाउट वर्ब. अब ग्रामर का हम दूसरा टॉपिक करेंगे जिसका नेम है वर्ब. तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब मीन्स वर्ड्स दैट टेल अस
एक्शन वर्ड्स। अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो जो एक्शन वर्ड्स है वो ही वर्ब्स है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, जम्प, डांसिंग, वॉक, रन, ईट, वॉक राइट, ठीक है, रीड, ये सारे जो वर्ड्स है ये एक्शन वर्ड्स है, राइट, और ये यही सारे वर्ड्स है वो वर्ब है। और अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, सम पर्सन इज डूइंग समथिंग बट वो क्या कर रहा है, तो ये क्या पूछने से, व्हाट ऐसा पूछने से जो हमें आंसर मिलता है, राइट, तो वो क्या है, वर्ब। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। मैं क्या खेल रही हूँ, तो मैंने क्या से क्वेश्चन किया तो मुझे आंसर मिला प्ले। मैं क्या कर रही हूँ, प्ले, ठीक है, तो यहाँ पे प्ले जो है वो क्या है, वर्ब। नेक्स्ट, माई मदर कुक्स राइस, ये जो पूरा सेंटेंस है उसमें वर्ब कौन है, तो माई मदर है, ये तो नेमिंग वर्ड हुआ मम्मी के बारे में, ठीक है। कुक्स, कुक्स मीन्स बनाना, और राइस तो है वो थिंग है, मतलब तो खाने की चीज है, तो कुक्स, कुक्स है वो क्या है, वर्ब हुआ, ठीक है। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, यहाँ पे फादर और ऑफिस दोनों क्या हुआ, नाउन हुआ, क्योंकि ये प्लेस का नेम है ऑफिस, और फादर है वो नेमिंग वर्ड है, पर्सन का नेम है, तो ये दोनों नाउन हुआ। सो वर्क्स, ये क्या है, वर्ब, मतलब मेरे पापा ऑफिस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो क्या हमने पूछा तो जो हमें आंसर मिला वो क्या हुआ, वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो कौन है, वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इन द अबव एग्जांपल द वर्ड्स प्ले, कुक्स एंड वर्क्स टेल अस व्हाट पीपल आर डूइंग। जैसे मैंने बोला ना कि लोग या कोई पर्सन क्या कर रहा है उसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन दे, वो पर्टिकुलर जो वर्ड है उसे कहते वर्ब, वी ई आर बी, वर्ब। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन पेज नंबर 17 वी आर डूइंग ग्रामर। आपकी क्लिप्स में पेज नंबर 17 पे ही ग्रामर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, लेट्स डू इट। फाइंड आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन देम। तो ये जो आपके सेंटेंसेस है वो सेम मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमने नाउन में किया था कि नाउन को फाइंड आउट करके अंडरलाइन किया था, यहाँ पे वर्ब को फाइंड आउट करके अंडरलाइन करनी। ओके, सो आपको मेरे साथ साथ अपनी तुलिप्स में करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके, सो फर्स्ट इज माय सिस्टर ब्रिंग्स कॉफी, वन हैज बीन डन फॉर यू ऑलरेडी, है ना, माय सिस्टर, ये क्या हुआ, नाउन हो गया। ब्रिंग्स मतलब पीना, कॉफी पी रही, क्या पी रही है, कॉफी, तो ड्रिंक है वो क्या है, वर्ब। सेकेंड में देखिए, आई प्ले क्रिकेट, बताइए मुझे इसमें वर्ब क्या है, प्ले, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रही, तो ये खेल यानी प्ले, ये क्या है, वर्ब। नेक्स्ट, माय मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, मम्मी क्या कर रही है ऑफिस में, वर्ब। मैंने बोला ना कि क्या जो पूछते हो जो हमें आंसर मिलता है वो वर्ब है, एक्शन वर्ड्स है वो वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब्स है वो क्या है, वर्ब। ओके, सो अंडरलाइन दिस वर्ड। ओके, माय आंटी डांसेस वेल, आंटी है वो क्या अच्छा कर रही है, डांस अच्छा कर रही है ना, तो क्या पूछने से जो आंसर मिला वो क्या है, डांस वेल। सो इसको आप अंडरलाइन करो, चलो मेरे साथ, ये तीनों आपने मेरे साथ किए अपनी तुलिप्स में, वेरी गुड। नेक्स्ट, शी वॉक्स टू स्कूल, शी वॉक्स टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ, वो स्कूल जा रही है, कैसे जा रही है, वॉक कर, चल के जा रही है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, स्कूल तो प्लेस है तो नाउन हो गया, है ना, तो वॉक्स है वो क्या है, वर्ब, है ना, वर्ब, ग्रेट। नीति रन्स फास्ट, नीति है वो रन कर रही है फास्ट, तो फास्ट तेजी से दौड़ रही है, तो नीति क्या कर रही है, फास्ट रन कर रही है, तो रन यहाँ पे एक्शन वर्ड हुआ ना, तो ये क्या होगा, वर्ब। तो आपको रन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, डन।
ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर लूँ, हमने इस वीडियो में क्या क्या लर्न किया, वोकैबुलरी किया, उसके बाद राइमिंग वर्ड्स किया, प्रोनंसिएशन किया, और उसके बाद हमने क्या किया, ग्रामर किया, और ग्रामर में कौन सा टॉपिक किया, वर्ब। तो किसे वर्ब कहते हैं, ऐसा कोई वर्ड पर्टिकुलरली ऐसा हमने दिखाया कि कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, तो क्या पूछने से जो आंसर मिलता है वो वर्ब है। इन शॉर्ट जो एक्शन वर्ड्स हैं, डांस, प्ले, वॉक, ईट, रन, है ना, ये सारे वर्ड्स एक्शन वर्ड्स हैं और एक्शन वर्ड्स भी वर्ब है। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ग्रामर का जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। सो आपको ये घर पे लर्न करना है अगेन एंड अगेन, और ग्रामर और नाउन का जो डिफरेंस है वो आपको एकदम क्लियर करना है। ठीक है, थैंक यू।